सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता है बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सर कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आप आज का ये लेक्चर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, मैंने ही आप लोग को बायोलॉजी भी पढ़ाई है, तो जो बच्चे केमिस्ट्री देख रहे हैं अगर आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है तो ज़रूर से हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी के भी लेसन मिलेंगे, फिजिक्स के भी लेसन मिलेंगे, मैथ्स के भी लेसन मिलेंगे और केमिस्ट्री तो आपको मिल ही रही है। सही है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए बच्चों सब कुछ अवेलेबल हम लोग कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए। सही है, तो वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार ज़रूर से बनाए रखिए, चलेगा? चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में, मतलब लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इनके बारे में हम कई सारी बातें कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, नॉमनक्लेचर देख चुके हैं, प्रिपरेशन देख चुके हैं अलग अलग तरीकों से। सही है बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी भी लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस की हुई है। सही है, तो आज इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की ही बात करनी है। ठीक है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज की इस लेक्चर में हम लोग बात नहीं करने वाले। ठीक है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना आज करेंगे, समझेंगे सब कुछ आराम आराम से, एक एक करके चीज़ें समझेंगे। ठीक है, और यदि एक और चीज़ आपको बता दूं, यदि आप लोग ने हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा? सो दिस इज द लेक्चर नंबर 5, 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा तो देखना ज़रूर से। चलो स्टार्ट करते, स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर अल्कोहल एंड फिनॉल्स। केमिकल्स, केमिकली ये लोग किस तरीके से रिएक्टिव होते हैं, कैसे कैसे ये रिएक्शंस करते हैं, किस तरीके का रिएक्शन करते हैं, क्या ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आज हमें इस लेक्चर के अंदर देखनी है। सबसे पहला है बच्चों लैबोरेटरी टेस्ट। लैबोरेटरी के अंदर हमको टेस्ट देखना है कि भैया लैबोरेटरी के अंदर किस प्रकार का ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है आपको लिटमस टेस्ट। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट दिया हुआ है आपको लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है वो हम लोग टेस्ट करते हैं आपके लिटमस पेपर से। दो प्रकार के लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। सही है, एक नॉर्मल भी आता है शायद ग्रीन कलर का हल्का सा, पर वो हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज़ नहीं करते। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में या रेड या फिर ब्लू ही यूज़ किया जाता है। सही बात है, ठीक है। सो अगर आपका कोई भी कंपाउंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर रहा है तो वो बेसिक है। अगर कोई भी आपका कंपाउंड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एसिडिक है। सही है, और अगर मैं बात करूं बच्चों अल्कोहल या फिनॉल्स की, तो अल्कोहल्स या फिनॉल्स बच्चों स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये क्यों होते हैं आगे हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं, और फिनॉल आपका ज़्यादा एसिडिक होता है। फिनॉल एज कम्पेयर टू ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेशन होती है, उसके अंदर आपको रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है, बिकॉज वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। वो क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस भी बना के दिखाऊंगा मैं आप लोग को, टेंशन मत लो। सही है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप अल्कोहल को, ठीक है ऐसे लिखता हूँ, अगर आप अल्कोहल को बच्चों वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक्वस अल्कोहल। क्या बन जाएगा आपका, एक्वस अल्कोहल। और इस अगर एक्वस अल्कोहल को आप लिटमस पेपर पे टेस्ट करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आता। इसका मतलब ये ना एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये स्लाइटली न्यूट्रल इन नेचर कहलाता है, ये स्लाइटली न्यूट्रल इन नेचर है। पर यहीं अगर मैं बात करूं बच्चों फिनॉल की, सही है, यहीं पे अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल क्या कर सकता है, फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, फिनॉल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका जो फिनॉल है इट इज एसिडिक। ये क्या है, एसिडिक है, ये एसिड है। अब एसिड मतलब क्या, एसिड उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बच्चों जो आपका H प्लस डोनेट करे। जो भी कंपाउंड इस दुनिया में, जो भी कंपाउंड है जो इस H प्लस को, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, उसे मैं क्या कह सकता हूं, दैट इट इज एन एसिड। सही है, वो क्या है, वो एसिड है। अब अगर आप देखो अल्कोहल को, तो जब अल्कोहल एसिड को डोनेट करता है तो कुछ ऐसा बनता है, आर ओ माइनस और इस पर प्लस बनता है, इसको हम लोग अल्कोऑक्साइड कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोऑक्साइड। अल्कोऑक्साइड भी स्टेबल है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, और फिनॉल ज्यादा स्टेबल है। अगर आप देखो यहां पे और यहां पे, मान लो ओ ने एच निकाल दिया तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव,
समझ रहे हो? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होता है, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होता है, बताऊंगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है? तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से बच्चों, आपका फिनॉल जो इसका जो ऑक्साइड फॉर्म है, मतलब नेगेटिव फॉर्म है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, हेंस इट कैन इजिली रिलीज इट्स एच प्लस। ये अपना एच प्लस आराम से बच्चों रिलीज कर सकता है, समझ में आ रही बात? इसलिए बच्चों आपका जो फिनॉल है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, सॉरी हाँ, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर कहलाता है, चलेगा? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, बेस के साथ हमको रिएक्शन देखना है कि आखिरकार बेस के साथ आपका अल्कोहल या फिर फिनॉल कैसे रिएक्शन करते हैं। पहली बात तो आपका अल्कोहल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये लिख लो, नो रिएक्शन। अगर आपका अल्कोहल बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ना वो NaOH के साथ रिएक्ट करे, ना वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ना वो इसके साथ रिएक्ट करे, ना वो इसके साथ रिएक्ट करे, तो आपका अल्कोहल रिएक्शन नहीं कर रहा है बच्चों। कौन रिएक्शन करेगा? फिनॉल करेगा, बिल्कुल सही। फिनॉल का रिएक्शन देखते कैसा होता है, मान लो दिस इज योर फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा बच्चों आपके NaOH के साथ। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? आपके NaOH के साथ। होगा क्या? ये रिएक्शन शायद हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। यहां से बच्चों सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव। तो मैं लिख सकता हूं -H2O। इस -H2O का मतलब क्या है कि यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट बन रहा है। बचेगा क्या? बचेगा बच्चों आपका Na और ये आपका ऑक्सीजन। सो इस Na कहाँ चला जाएगा? आपके ऑक्सीजन के पोजीशन पे चला जाएगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, दिस दिस दिस, यहाँ पे O नहीं, सही है, Na आपका मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, O आपका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज नॉन मेटल, सही है? तो ये समझ में आया, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? मैंने बोला बच्चों जब आपका फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल, व्हेन योर फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा बच्चों? सबसे पहले तो यहां से वाटर निकल जाएगा, मतलब आपका ये OH और ये H यहां से निकल जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल। बचेंगे क्या? बचेंगे आपके Na और O, तो दोनों को जोड़ के मैंने लिख दिया। तीन ये है कि आपका जो Na है ये है मेटल, तो मेटल के ऊपर आपको हमेशा पॉजिटिव चार्ज दिखाना है। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव नेगेटिव चार्ज अबाउट देम। ओके, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। अब बच्चों जब ये रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ? HCl के साथ, तो होगा क्या? बड़ा ही सिंपल है, आपका Na निकल जाएगा और आपका Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो? आपका जो Na है वो यहां से बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बच्चों? Cl, NaCl यहां से बाहर निकल गया, सो माइनस माइनस NaCl, आपका NaCl क्या हो गया बच्चों? यहां से रिएक्शन के बाहर हो गया। बचा क्या? बचा आपका O और आपका H, तो वापस यहां पे क्या जनरेट हो गया? आपका फिनॉल। और ये जो फिनॉल है ना, ये पीपीटी के फॉर्म में क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है पीपीटी के फॉर्म में, और क्या बना आपका? NaCl। अब NaCl तो सॉल्ट ही है, तो ये भी आपका पीपीटी बना लेगा। तो अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में आपको पीपीटी दिख रहा है, समझ लो, पीपीटी पीपीटी समझते हो ना, प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका फिनॉल बेस से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? फिनॉल प्रेजेंट। आपके कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है बच्चों? फिनॉल प्रेजेंट है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। एक रिएक्शन अल्कोहल की भी और दिखाई हुई है, आपकी बुक क्या कह रही है? एक रिएक्शन अल्कोहल की और आपकी बुक दिखा रही है, आपकी बुक क्या कह रही है? जैसे मान लो 2ROH है, जब ये 2Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा पता है? यहां से Na और H निकलता है, ठीक है, यहां पे Na क्या निकलता है? Na और H निकलता है, बनता है बच्चों RONa, RONa की वजह से यहां पे लगता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लगता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? क्लियर है, सिंपल है, ये भी दो ही है। बचा क्या? यहाँ पे H बचा, दो मॉलिक्यूल थे ना, दोनों का H H क्या हो गया? निकल गया, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ में आई बातें? क्या था, सिंपल था, समझा नहीं समझा? देखो, अगर आप तो दो मॉलिक्यूल है आपके अल्कोहल का, यानी योर 2ROH, सही है, और दो मॉलिक्यूल है आपके Na का, सोडियम,
ये दो मॉलिक्यूल बच्चों इस एच की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो मतलब एक एच एक मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल था तो दो एच निकला, ये दो एच बच्चों एच टू हाइड्रोजन निकल के यहाँ से बाहर चला गया, ये ऑक्सीजन की जगह बच गई, तो इस ऑक्सीजन पे कौन चला गया आपका एन ए चला गया, तो दो मॉलिक्यूल इसके बन गए जहां पे एन ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नोट डाउन करते चलो, लिखते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ओके लेट्स मूव, लेट्स मूव। ठीक है अगला क्या है, टेस्ट फॉर फिनॉल। ठीक है अगला है बच्चों टेस्ट फॉर फिनॉल, सही है, और या फिर इसको आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फिनॉल, यही दिया ना आपकी बुक में, चेक करना एक बार चेक करना अपने बुक में, यही दिया होगा शायद, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल, सही है, अभी सही है। ठीक है चलो, फिनॉल की बात हो रही है तो फिनॉल बना ले, फिनॉल बना ले। अब देखो फिनॉल को मैं AR लिख रहा हूँ, AR मतलब क्या, एरोमेटिक, AR मतलब क्या है बच्चों, एरोमेटिक। मैं कोई भी एरोमेटिक रिंग को सिर्फ AR से रिप्रेजेंट करूंगा, चलेगा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे चलो इसको रिएक्ट करते हैं FeCl3 के साथ, ठीक है, फेरस क्लोराइड, दिस इज फेरस क्लोराइड, ठीक है। तो जब आपका FeCl3 किससे रिएक्ट करेगा, आपके AROH से रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा बच्चों HCl, यहाँ पे आपका एक H, यहाँ से आपका एक Cl निकल के HCl बनाएगा। पर यहाँ पे एक Cl है क्या, नहीं, यहाँ पे तीन Cl है, तो हमें H की भी कितनी जरूरत पड़ेगी, तीन जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ तो तीन डाल नहीं सकता, तो मुझे यहाँ तीन डालना पड़ेगा, मतलब ये तीन मॉलिक्यूल है, समझ रहे, मतलब ये कितने हैं, तीन मॉलिक्यूल है। और होता भी यही है एक्चुअली में, यहां से तीन मॉलिक्यूल ऑफ HCl बाहर निकल जाता है, तीन H के और यहाँ पे तीन Cl है, तो तीन मॉलिक्यूल ऑफ क्या निकल जाएंगे, यहां से HCl बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या है बच्चों आपका Fe, और Fe का अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3, तो मतलब ये तीन बॉन्ड बना सकता है, तो एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक OR, दूसरा AROAR और तीसरा OAR, ये जो है ना तीन मॉलिक्यूल बचे ना, ये तीन मॉलिक्यूल किस पे लग जाएंगे बच्चों, आपके Fe पे लग जाएंगे, समझ रहे हो, बिकॉज Fe हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में स्टेबल होता है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ARO thrice Fe, वही बात है, Fe के ऊपर तीन ARO लगे हुए, Fe के ऊपर तीन ARO लगे हुए। जब ये बनता है ना बच्चों, जब ये बनता है ना, तो बहुत ही डीप कलर आता है, बहुत ही डीप डार्क कलर आता है सॉल्यूशन का, बहुत ही बच्चों आपको डीप कलर देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपने मान लो आपका जो भी सॉल्यूशन था उसे FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाया और आपको एक बहुत ही डीप कलर डार्क कलर देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या प्रेजेंट था बच्चों, आपका फिनॉल प्रेजेंट था, वहां पर क्या प्रेजेंट था आपका, फिनॉल प्रेजेंट था, बिल्कुल सही, समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अरे कुछ है नहीं, नेक्स्ट क्या है बच्चों, लुकास टेस्ट। ठीक है लुकास टेस्ट हमें पढ़ना है, लुकास टेस्ट क्या है बच्चों, लुकास टेस्ट हमें यह बताता है, लुकास टेस्ट ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में, लुकास टेस्ट हमें यह बताता है बच्चों कि आपके कंपाउंड में प्राइमरी अल्कोहल है या आपके कंपाउंड में सेकेंडरी अल्कोहल है या आपके कंपाउंड में टर्शरी अल्कोहल है। क्या बोला मैंने, समझा, मैंने कहा बच्चों कि आपका जो लुकास टेस्ट है वो हमें ये बताता है, ये समझाता है कि आपके जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड के अंदर क्या प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, क्या सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है। मैंने आपको बताई है प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब मान लो आपका ऐसा है, अगर आपका जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल। अगर कुछ ऐसा सीन है तो, अगर ये आपका अल्फा कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। और यदि कुछ ऐसा हुआ तो R OH, तो अब अगर आप देखो तो आपका ये जो कार्बन है ये कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंडरी, सॉरी टर्शरी, ठीक है सही है। तो ये है आपका प्राइमरी, ये है आपका सेकेंडरी, ये है आपका टर्शरी। अब अगर मान लो आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट है और आपको पता करना है कि भैया मेरे पास कौन सा अल्कोहल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या ये प्राइमरी है, क्या ये टर्शरी है, क्या ये सेकेंडरी है, तो उसके लिए काम आता है हमारा लुकास टेस्ट।
ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, इसके लिए हमें चाहिए लुकास कैटलिस्ट, यानी लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों? HCl इन ZnCl2, HCl इन ZnCl2, ठीक है। तो मतलब हम कोई भी अल्कोहल लेंगे, उसे हम किससे रिएक्ट करेंगे? HCl इन ZnCl2, इस रिएजेंट से अटैक करेंगे, इस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे। तो आपको आपका कंपाउंड क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो ध्यान से सुनो, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। मान लो है आपका ROH, दिस इज द ROH, सही है। अब अगर आपका ROH रिएक्ट करेगा किससे? इन कैटलिस्ट से, तो HCl और आपका ZnCl2। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? कुछ नहीं, आपका यहाँ से OH निकल जाएगा, आपका वाटर बन जाता है। ये HCl रिएक्ट करता है तो आपका ये यहाँ से वाटर निकल जाता है और ये Cl है आप में आके लग जाता है, तो RCl बन जाता है, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब ये रिएक्शन तो हुआ, पर ये रिएक्शन हमें आंखों से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ये रिएक्शन हमें आंखों से दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा बच्चों कि आखिरकार आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है? ये हमें पता कैसे चलेगा? जब ये रिएक्शन हो रहा होगा ना बच्चों, तो आपका जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल ये कलरलेस लिक्विड है, क्लियर लिक्विड है, क्लियर, इट इज एन क्लियर कलरलेस लिक्विड, समझ रहे हो? ये एक ऐसा लिक्विड है जो क्लियर है, कलरलेस लिक्विड है आपका अल्कोहल। और जब आप उसके अंदर क्या डालते हो? HCl और ZnCl2, तो इसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। और यहां पर जब रिएक्शन कंप्लीट होती है ना बच्चों, तो आपको मिलता है टर्बिड, टर्बिड सॉल्यूशन मिलता है ना। व्हाट इज मीन बाय टर्बिड? टर्बिड क्या है? आपने कभी घर पे क्या करना, एक काम करना, अगर आपके घर पे दूध होगा ना, दूध, तो क्या करना, एक ग्लास लेना, छोटा सा, छोटा, ज्यादा दूध वेस्ट नहीं करना, छोटा सा एक ग्लास लेना, उसके अंदर पहले पानी भरना, सही है, और उसके अंदर एक ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप मिल्क को ऐड करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो, तो आप देखोगे कि पहले जो आपका वाटर था वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था, एकदम साफ था। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क को ऐड करोगे ना, आपका जो वाटर है ना वो हल्का सा धुंधला धुंधला, मतलब समझ रहे हो, हल्का हल्का व्हाइटिश व्हाइटिश होने लगेगा, समझ रहे हो? आपका जो वाटर है वो क्या होने लगेगा? हल्का हल्का व्हाइटिश होने लगेगा बिकॉज ऑफ दैट मिल्क। वो जो हल्का सा व्हाइटिस कंडीशन है, जो प्योर ये नहीं है, पूरा कलरलेस नहीं है, उस कंडीशन को ही हम लोग, उस रिएक्शन को, सॉल्यूशन को ही हम लोग टर्बिड सॉल्यूशन कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? टर्बिड सॉल्यूशन, जो कि क्लियर ना हो, जिसके अंदर व्हाइट व्हाइट कुछ ना कुछ डेंस चीजें प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका टर्बिड सॉल्यूशन। तो जब ये रिएक्शन खत्म होती है तो यहाँ पे टर्बिड सॉल्यूशन बनता है, सही है। अब हमें कैसे पता चलेगा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? बच्चों होता ये है कि अगर आपका रिएक्शन के टाइम पे, जब आप रिएक्शन कर रहे हो, तो अगर आपका ये जो टर्बिड सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट बनता है, मान लो बहुत ही जल्दी से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेरी फास्ट, अगर आपका टर्बिड, अगर आपका जो टर्बिडिटी है वो वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट आपका क्या हो गया, टर्बिड बन गया, तो उस कंडीशन में मैं ये कंक्लूजन पे आऊंगा कि आपके पास टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? आपका टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सही है। अगर आपका टर्बिडिटी धीरे धीरे बन रहा है, मतलब रिएक्शन कैसे कर रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी टर्बिडिटी आ रही है, स्लो आ रही है, कैसे आ रही है, स्लो आ रही है, तो वो क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर आपकी टर्बिडिटी बहुत स्लो है, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे आ रही है, बहुत ही कम टर्बिड हुआ है और बहुत ही धीरे 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 टर्बिडिटी हो रही है, बहुत ही स्लो हो रही है, तो वो क्या होगा बच्चों? आपका प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आई बात? रिएक्शन समझा क्या था? रिएक्शन एकदम सिंपल था। लुकास टेस्ट क्या कहता है? ये हमें ये बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्या वो सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या वो टर्शियरी अल्कोहल है। कैसे बताता है? हमारे पास एक रिएजेंट है लुकास का, दैट इज HCl इन ZnCl2। जैसे ही आप अपने ROH को, यानी आपके अल्कोहल को, जो कि कैसा है, क्लियर कलरलेस लिक्विड है, जैसे ही आप उसके अंदर लुकास रिएजेंट डालोगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCl यानी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ से HOH, यहाँ से वाटर निकल जाता है और ये Cl यहाँ पे अटैक कर देता है, योर RCl बन जाएगा, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड। तीन ये है कि आपका ये कलरलेस लिक्विड टर्बिड सॉल्यूशन बन जाता है।
बस आपको देखना यह है कि अगर ये बहुत ही रैपिडली बहुत ही फास्ट टर्बिड बना है तो ये टर्शरी अल्कोहल है, अगर ये टर्बिड बहुत ही धीरे धीरे बन रहा है आराम से बन रहा है तो सेकेंडरी है, और वेरी स्लो बहुत ही स्लो बन रहा है तो वो क्या है बच्चों आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, उसे मैं क्या कहूंगा दैट अल्कोहल इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है समझ में ही बात, समझ में ही बात। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिए कभी ले लो, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एसिडिक कैरेक्टर ऑफ योर अल्कोहल एंड फिनल। अब इसमें मजा आने वाला है, एसिडिक कैरेक्टर क्या है, अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर क्या है, फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर क्या है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कोहल। लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेंड अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ROH इज अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल कह सकते हो। व्हेन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर, जब ये किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों, आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। होता क्या है, यहां से एक H निकल के यहां आ जाता है और आपका बाय प्रोडक्ट बन जाता है H3O पॉजिटिव। क्या बन गया आपका H3O पॉजिटिव परऑक्साइड, यहां से H निकल के इसके साथ आ गया और ये क्या बन गया H3O पॉजिटिव। बचा क्या, बचा ये बच्चों आपका RO नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। सिंपल है, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा इनडायरेक्टली। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों अल्कोक्साइड, सही है। और इस पे हमेशा हम लोग ऐसा एरो दिखाते हैं, ऐसा एरो दिखाते हैं। ये एरो का मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुई हुई है। आपका जो इलेक्ट्रॉन सॉरी आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड दिस इज अल्कोक्साइड। अब अगर आप दूर दूर से देखोगे बच्चों, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आप कह सकते हो कि भैया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर रहे होंगे और ये शायद स्टेबल कंपाउंड हो, सही है। और अगर ये स्टेबल कंपाउंड है, मतलब एच के निकलने के बाद आपका जो एच है, अगर इसके निकलने के बाद भी आपका अल्कोक्साइड स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, तो कैन आई से योर अल्कोहल इज एसिडिक, कैन आई से योर अल्कोहल इज एसिडिक, सही है। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात, मैंने बोला कि आपका अल्कोहल क्या हो रहा है, अल्कोहल से मैंने किसको रिएक्ट करवाया, H2O को रिएक्ट करवाया, तो यहां से क्या निकल गया बच्चों आपका H निकल गया, H प्लस निकल गया, ठीक है। H प्लस जैसे निकला बाहर, मैंने आपको बताया था ना एसिड कौन होता है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करे, तो क्या डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे, पढ़ा है ना एसिड, पढ़ा होगा बचपन में एसिड बेस लेविस एसिड लेविस बेस, सही है। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है दैट इज नथिंग बट योर एसिड। यहां से देखो H प्लस डोनेट कर दिया, सही है, और H प्लस डोनेट करने के बाद ही, H प्लस डोनेट करने के बाद ही बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ शिफ्ट हो गई, आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर अल्काइल ग्रुप। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या कह सकता हूं कि मैं ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर ये स्टेबल बन रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल बच्चों स्टेबल बन रहा है, तो इसका मतलब H प्लस यहां से इजिली रिलीज हो सकता है, तभी ये स्टेबल होगा, तो मैं कह सकता हूं ये आपका एसिडिक है, सही है। पर दिक्कत ये है ना, ये एसिडिक इतना अच्छा है नहीं, ये इतना अच्छा एसिड नहीं है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना इट इज नॉट सो स्टेबल, थोड़ा बहुत स्टेबल है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आप जाओगे तो भैया एसिडिक एसिड की तरह रोल करेगा आपका अल्कोहल, पर अगर आप कहोगे कि नॉर्मल कंडीशन में मैं इसको एसिड बनाऊं तो बिल्कुल भी नहीं, आपका अल्कोहल एसिड नहीं बन सकता, समझ रहे हो। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, मान लो मैंने बहुत सारा उसके अंदर ये डाल दिया एच, मतलब आपका एच सी एल के थ्री रिएक्ट करवा दिया, NaOH के साथ रिएक्ट करवा दिया, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लेके गया, तब आपका एच प्लस रिलीज कर सकता है और अल्कोऑक्साइड बन सकता है, बट नॉर्मल कंडीशन में अल्कोऑक्साइड आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इट इज़ नॉट सो स्टेबल, हेंस इट इज़ नॉट अ वेरी गुड एसिड, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड एसिड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब फिनॉल का देख ले, फिनॉल की बातें कर ले, अब फिनॉल थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा, फिनॉल की बातें कर ले। Let's talk about phenol.
दिस इज दिख रहा है ये OH दिन में आ रहा है, हाँ आ रहा है चाहिए। अब देखो फिनॉल की बात करते हैं। नाउ व्हेन दिस फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ योर वाटर, सेम रिएक्शन व्हेन दिस विथ दिस फिनॉल, दिस इज योर फिनॉल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ दिस वाटर, सेम रिएक्शन होगा आपका। H किसके पास आ जाएगा, H2O के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, सही है, H3O पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों आपका O जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या बचेगा आपका O जिसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, इसे हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड E, ठीक है, सो दिस इज द फिनॉक्साइड, क्लियर है यहां तक बातें। अब हमें देखना है कि क्या ये फिनॉक्साइड स्टेबल है, क्या ये फिनॉक्साइड बच्चों स्टेबल है, ये हमें पता चलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अब इसके अंदर होगा रेजोनेंस, सही है, एंड रेजोनेंस की वजह से आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ये हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, या फिर आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मान लो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, This, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, सही है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, समझ रहे हो, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, व्हाइट कलर से बनाते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपल है, यही कंपाउंड था, तो सिंपल, सबसे पहला आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, आयन टू बॉन्ड शिफ्ट एंड बॉन्ड टू आयन शिफ्ट, क्या हो जाएगा, हमेशा ऐसा एरो दिखाना किसी भी रेजोनेंस के बीच में, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, सही है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो एक डबल बॉन्ड बन गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, सो डबल बॉन्ड O, और ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो मतलब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी सारी चीज़ें सेम, समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया क्या किया मैंने, मैंने एकदम सिंपल सी बात की है बच्चों, मैंने एकदम सिंपल सी चीज़ की है, मैंने बच्चों आपका ये जो आपका नेगेटिव चार्ज था इसे मैंने किया यहाँ शिफ्ट और ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, अगर जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुआ ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है बच्चों, आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो, तो जब आपका नेगेटिव चार्ज आयन टू बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कैसा बनेगा, ऊपर में अभी भी डबल बॉन्ड O ही है, सही है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, नीचे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला अभी भी वैसे का वैसा ही, सही है, ये वाला अभी भी वैसे का वैसा ही है, सिंपल है। नेक्स्ट क्या होगा, वापस रेजोनेंस होगा, वापस क्या होगा बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है सॉरी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये उठ के यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये उठ के कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ ऑर्थो वाले पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, सही है, तो कैसा बनेगा, यहाँ बनाऊँ या फिर यहीं बनाता हूँ, यहाँ बनाते हैं ऐसा 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 ऐसा, अरे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये एक आपका डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है, एंड द लास्ट स्टेप आपका ये बॉन्ड वापस ये आयन वापस यहाँ शिफ्ट होगा और ये इसके ऊपर वापस शिफ्ट होगा, सही है, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वापस आपको क्या मिल जाएगा, कुछ कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल मिलेगा जहाँ पे आपका वापस O के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस बोथ आर सेम, ये जो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, ये क्या है आपके सेम ग्रुप है, समझ लो, तो ऐसे रिएक्शन चली। अब इस रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इसके ऊपर बैलेंस आउट कर जाता है, ये आपका मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल है, दिस मॉलिक्यूल दिस योर दिस इज व्हाट फिनॉक्साइड ना, तो दिस फिनॉक्साइड इज स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सही है, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से आपका ये जो फिनॉक्साइड है बच्चों इट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, और अगर ये स्टेबल बन रहा है इसका नेगेटिव चार्ज एच निकलने के बाद जो कंपाउंड है वो स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब यहां से प्रोटॉन आराम से निकल सकता है, इसका मतलब योर फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, योर फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, नोट डाउन कर लो,
समझ में आ गया, एकदम सिंपल था, ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। क्यों ये एसिडिक इन नेचर है बच्चों? क्योंकि जब यहां से OH, जब यहां से H निकला तो ये कंपाउंड बना एंड दिस कंपाउंड इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है? ये मैंने आपको रेजोनेंस करके दिखाया, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से आपका दिस फेनोक्साइड इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड से ज्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई ये स्टेबल है, इसका ये ग्रुप स्टेबल है। इसका मतलब यहां से आपका H+ आराम से निकल सकता है, और अगर H+ आराम से निकलेगा तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर। नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो वेरी गुड। और कुछ था क्या यहां पे? हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अल्कोक्साइड वाले का। हो गया, चले आगे बढ़े बड़े बच्चों, चलो बढ़ते। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? आ गया, हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपका इस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नाउ इस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज वेरी सिंपल रिएक्शन, वेरी वेरी वेरी, ठीक है। इस्टरीफिकेशन रिएक्शन में हमें क्या देखना है? ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। क्या होता है इस्टरीफिकेशन रिएक्शन में? एक होता है आपका अल्कोहल, ठीक है, एक होता है आपका अल्कोहल। When your alcohol is going to react with acid, जब आपका alcohol बच्चों acid के साथ react करता है तो यहां पर आपका बनता है बच्चों ester plus water। क्या बोला मैंने आपका esterification reaction क्या है? जब alcohol is going to react with your acid, कौन सा acid? Carboxylic acid, ठीक है, कौन सा acid? Carboxylic acid। तो जब आपका अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे क्या बनता है? ईस्टर बनता है, ठीक है, क्या बनता है यहां पे? ईस्टर बनता है। ईस्टर में ये ए नहीं आएगा, देखो बाहर निकालो, मिटा दो, सही है, ई को थोड़ा सा फास्ट ले लो, चल भाई, ठीक है, सही है। सो दिस इज अ ईस्टर। बात समझ में आ गई, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो ईस्टर बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग बच्चों ईस्टरीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ईस्टर बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन कह रहे हैं। बड़ी सी सिंपल रिएक्शन है। अब इसका थोड़ा जनरल फॉर्म देख लेते हैं। आज अब अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो अल्कोहल ड्रॉ करो, कोई भी अल्कोहल, जैसे मान लो आर ओ एच ड्रॉ किया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा रहेगा? आर उल्टा बना रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, सही है। सो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जहां पे आपको कार्बोनिल ग्रुप रहता है, सही है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका यहां से निकलेगा एच और इस एसिड देगा ओ एच, यहां से आपका निकलेगा एच और यहां से निकलेगा ओ एच, तो मतलब यहां पे बन गया आपका वाटर मॉलिक्यूल एच टू ओ, बड़ा ही सिंपल। बचा क्या? जो बचा है उसे जोड़ देना आपको। तो बचा है बच्चों आपका आर और ओ, और यहां पे बचा है आपका R C डबल बॉन्ड O, तो लिख दो R C डबल बॉन्ड O एंड योर O R। ये O R कहां से आया? आपके अल्कोहल से। और ये C डबल बॉन्ड O R कहां से? आपके एसिड से। तो दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर एसिड, और यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे बन जाएगा आपका ईस्टर एंड दिस इज नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल, सही है। व्हेन दिस इथाइल अल्कोहल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ सम एसिड, जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका है OH, इस एसिड का नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मिथेनोइक एसिड, IUPAC है ये, मिथेनोइक एसिड। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्या बनेगा? बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सादा सा। यहां से क्या निकलेगा आपका? H, और यहां से क्या निकलेगा बच्चों? आपका OH, सिंपल है। यहां से क्या निकलेगा आपका? H, और यहां से क्या निकलेगा आपका? OH, तो बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, यानी आपका H2O, बड़ा ही सिंपल। अगला क्या है? ये बचा और ये बचा, तो इसे जोड़ दो,
सिंपल सा है, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, मैं CH3 C डबल बॉन्ड O दिस, एंड इसको किससे कनेक्ट करना है आपने को, O CO CH3 के, O CH2 CH3, खत्म, सिंपल है। तो ये है आपका ईस्टर, ठीक है, ये है आपका ईस्टर, सही है। सो आई होप आप लोगों बच्चों ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन समझ में आई हो, सही है। तो यहां तक आज हम लोग इस लेक्चर को रखते हैं, ईस्टरीफिकेशन तक हम इस लेक्चर को रखते हैं। बाकी जो अगला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, तो उसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, सही है। रिएक्शन रिएक्शन अगर मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, चलेगा, सही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करना, अपने दोस्तों तक जरूर से इस वीडियो को पहुंचाना, उनको बताना जरूर से कि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं, सही है। बाकी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी में नहीं पढ़ाई थी तो बायोलॉजी का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी, कंप्लीट 1 to 15 चैप्टर्स। फिजिक्स के आप लोग को चैप्टर्स मिल जाएंगे सारे के सारे, मैथ्स के चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा, और केमिस्ट्री आप लोग के लिए आ ही रहा है, सही है। तो कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है हमारे यहाँ पे, सही है, कंटेंट मतलब स्टडी की बिल्कुल कमी नहीं है, जितनी भी चीज़ें हम आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उसे उसका फ़ायदा उठाओ, तो पढ़ो, सही है, और अपने मार्क्स को इंक्रीज करो, ठीक है बच्चों, सही है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में, ईथर के बारे में, सही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी।